सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। विद्युत विभाग की लापरवाही की खुली पोल। कस्बा विमार में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही से एक मवेशी की जान चली गई। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के विमार कस्बे का है, जहां महेश सिंह भदौरिया की भैंस खेतों से चारा चरकर अपने घर की ओर लौट रही थी, तभी रास्ते में लाइट के खंभे में उतर रहे करंट की चपेट में आ गई। करंट इतना ज्यादा था कि उसने भैंस को अपनी ओर खींच लिया और मौके में ही भैंस की मौत हो गई। वहीं ग्रामवासियों ने बताया कि पूर्व में दो बैल और की मौत हो गई, तभी विद्युत विभाग को अवगत कराया गया था, परंतु विद्युत विभाग ने कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई और मौन बना हुआ बैठा है। कस्बा वासियों ने बताया कि पूर्व में दो बच्चों को भी करंट की चपेट में आ गए थे, परंतु समय रहते उन्हें बचा लिया गया था। तब भी विद्युत विभाग को अवगत कराया गया था, परंतु विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा आमजन के साथ साथ बेजुबान भी भोग रहे हैं। यूपी ताज़ा न्यूज़ के लिए विमार से संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। प्रधान प्रतिनिधि हैं, आप ये बताइए, आपके घर के बगल में लोहे का खंभा लगा हुआ है जी। है, जो आज हादसा हुआ है, भैंस खत्म हो गई है, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें कई बार जो लोकल स्टाफ है यहाँ का, उन लोगों ने शिकायत की है कि ये पोल हटवाया जाए, लोहे का पोल है, उस वजह से बरसात में आए दिन इसमें करंट आता रहता है, बच्चे भी खेलते हैं कभी कभी, उनके भी करंट ये लगता है। अभी भैंस आ रही थी, बरीदी लेके आ रहा था, भैंस इसकी चपेट में आ गई और तत्काल उसकी जान चली गई। ये तत्काल उखड़ना चाहिए और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले आपने कोई कार्रवाई की डिमांड की, मांग की? मतलब अवगत कराया जाता है इस चीज़ से उनको कि ये पोल उखड़ना चाहिए, तो कोई सुनाई नहीं होती इसकी। ठीक। ये हादसा बड़ा दुखद पूर्ण है और ये जो बिजली के खंभे हैं ये करीब 50 साल पुराने हैं और इनको खंभों को करीब बहुत पहले बदल जाना चाहिए था। और बिजली जो जर्जर हो गई है, जो उनके तार भी जर्जर हो गए हैं और खंभों में अक्सर बिजली उतर रही है। किस चीज़ के खंभे हैं ये? ये खंभे बिजली के हैं, लोहे के हैं, लोहे के खंभे हैं, लोहे के खंभे बहुत पुराने हैं और इनमें सब में बिजली उतरती है। और अभी एक हफ्ते पहले दो बैल खत्म हो गए थे, बच्चों को करंट लगते लगते बचा, माँ ने बचाया, और इसके बाद आज ये भैंस जिसको एक फिट दूर से खंभे ने खींच लिया। और ये बड़ी दुखद पूर्ण घटना है और करीब 2 लाख की भैंस थी और इस तरह के नुकसान किसानों के हो रहे हैं। किसान पहले से ही बुंदेलखंड में बहुत परेशान है, गरीब है, उसकी फसलें नहीं होती हैं, उनको बीमा नहीं मिलता, जानवरों का बीमा नहीं मिलता। लिहाजा इन सब चीज़ों को देख करके जो शासन, उत्तर प्रदेश का शासन है, जो कह रहा है कि बहुत अच्छा शासन हम कर रहे हैं, तो ग्राम स्तर पर शासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं। इनको कई बार आगाह किया गया है, कई बार प्रधान जी ने चिट्ठी लिखी है इस पर कि ये खंभे तुरंत बदलाए जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोहे के खंभे नहीं बदले बिजली के। और इससे एक दुखदपूर्ण घटना घट गई जिसमें महेश सिंह भदौरिया का बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मेरी सरकार से अपील है कि तुरंत उनको भैंस की जो कीमत मार्केट की हो वो मुआवजा तुरंत दिलाया जाए। ठीक। हाँ भाई, ये क्या मैटर हुआ है? ये यहाँ पे बिजली का खंभा लोहे का है जो कई वर्षों से लगा है और ये बिजली विभाग को कई बार सूचित किया जा चुका है, इसमें कई बार बच्चों के भी करंट लगा है। आज ये महेश सिंह की भैंस वहाँ से निकल रही थी, वो टच भी नहीं हुई और उसको करंट ने ऐसा खींचा, मौके पर दम तोड़ दिया। इससे पहले भी कोई घटना हुई है? कई बार बच्चों में करंट लगा लेकिन वो सौभाग्य से बच गए हैं, लेकिन ये आज भैंस खत्म हुई है, कल के लिए कोई बच्चा भी खत्म हो सकता है। ये मौत को दावत देता हुआ खंभा लगा है, आप देख सकते हैं। आपने इसकी शिकायत की? कई बार मौखिक तौर पर जी। साहब क्या बोले इसमें? हमेशा टाल देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।